2020 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शायद इंडिया की ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट विक्ट्री है। इसमें इंडिया ने एक शानदार कमबैक की थी जब 36 ऑल आउट हुए थे वो एडिलेड में, और वहां से कमबैक करके इंडिया ने मेलबोर्न और गाबा में टेस्ट मैचेस जीते और सिडनी में टेस्ट ड्रॉ करके सीरीज 2-1 से जीत ली। ये एक इम्पॉसिबल सी विक्ट्री लग रही थी क्योंकि विराट कोहली पहला टेस्ट मैच खेल के आ गए थे और उसके बाद हर टेस्ट मैच में इंडिया के कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे। पहले टेस्ट में शमी का भी हाथ टूट गया था, दूसरे टेस्ट के बाद बुमराह अवेलेबल नहीं थे, अश्विन आखिरी टेस्ट में अवेलेबल नहीं थे, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल तक प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे। रविंद्र जडेजा वो भी इंजर्ड हो गए थे, हर मैच के बाद एक दो प्लेयर्स इंजर्ड होते थे वो हट जाते थे, लेकिन नए प्लेयर्स आके उनसे भी बेहतर परफॉर्म करते थे और इंडिया ने ये सीरीज हिस्टोरिक वे में जीती थी। बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हराना एक इम्पॉसिबल सा काम है। इनफैक्ट एशिया की इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई हो। लेकिन शार्दुल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात कही है जिसके बारे में हम सब अवेयर नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। शार्दुल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि इंडियंस को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया गया था उस पूरे टूर में। इनफैक्ट क्वींसलैंड में जब इंडिया पहुंची थी तो उन्हें थ्रेटन किया गया था कि उन्हें 15 दिन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। बाद में उनसे ये बोला गया कि इंडियंस को नहीं आना है तो ना आए, हम उन्हें होस्ट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद एक बेसिक सर्विस, एक हाउसकीपिंग सर्विस भी प्लेयर्स को नहीं दी गई थी, क्योंकि आप भी जानते हो कि प्लेयर्स जब ट्रेनिंग करते हैं या जब खेल के आते हैं तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं। वैसे में बेसिक सर्विसेज लाइक बेडशीट्स, टॉवेल्स, ये सब चीजें चेंज करना एक बेसिक होस्ट का काम होता है, लेकिन उस टाइम पे क्वारंटाइन का बहाना देके प्लेयर्स को वो फैसिलिटीज भी नहीं दी गई। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि 4-5 फ्लोर उन्हें चढ़ के जाना पड़ता था डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, और जाके खुद से ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, विच वॉज अ वेरी बैड होस्टिंग। उन्होंने ये भी कहा कि टिम पेन ने झूठ बोला इंटरव्यू में कवर अप करने के लिए कि हम तो इंडियंस पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, इंडियंस पूरी तरीके से सब कुछ फैसिलिटीज उन्हें दी जा रही है, जबकि सच ये है कि रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे जो उस टूर पे कैप्टन बन गए थे विराट कोहली के जाने के बाद, उन दोनों ने लड़ झगड़ के बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज के लिए भी लड़ाई झगड़े करके वो फैसिलिटीज इंडिया को दिलवाई। बहुत सारे ताने सुनने पड़े लेकिन इंडिया ने हिस्टोरिक वे में उसका जवाब दिया। इनफैक्ट सिराज ने कहा कि एंड होते होते तक वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि मैच जीतने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस की तरफ देखा नहीं। इनफैक्ट उनका कहना है कि कई इंडियन प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलियंस की तरफ देखा भी नहीं और आपस में ही सेलिब्रेट किया। उस टूर पे आपको बता दूं कि टीम पेन के ऋषभ पंत के साथ भी एज मतलब आप कह सकते हो कि उन्हें फनी बैंटर कह लो, लेकिन काफी ज्यादा बयानबाजी चलती रहती थी बिहाइंड द विकेट, जिसमें बेबी सिटिंग की भी बातें होती थी और भी बड़ी सारी बातें होती थी। टिम पेन ने तीसरे टेस्ट में ऋषभ पंत को यह भी कहा था कि सी यू इन गैबा। इनफैक्ट अश्विन जब सिडनी में टिक गए थे तो अश्विन को भी धमकियां दी जा रही थी कि गैबा में पता चलेगा, वी विल सी यू इन गैबा, और कमेंटेटर्स, एक्स क्रिकेटर सब ने एक माहौल बना दिया था गैबा इज अ फोर्ट्रेस, ऑस्ट्रेलिया की फोर्ट्रेस है, कोई नहीं तोड़ पाया है 1989 के बाद। और इन सारी बातों के बाद इंडिया की एक काफी वीक टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। दिस स्टेटमेंट पुट्स इनटू लाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें पता नहीं चलता। मैं इस वीडियो के एंड में वो स्टेटमेंट भी अटैच कर दूंगा ताकि आप उसे देख सकें। लेकिन इस अपकमिंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले ये न्यूज ने एक आपको मैं कह सकता हूं कि एक एक्साइटमेंट, एक माहौल बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वी ऑल नो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी करेंटली मैं तो कहता हूं कि एशेज से भी ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। एशेज में आप देखते हो कि इंग्लैंड में क्लोज मैचेस होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वन साइडेड जीतती है। अगर आप पिछले 3-4 एशेज के रिजल्ट्स निकाल के देख लो तो ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड आई वुड से क्लोज भी नहीं आती, इनिंग से हारती है, बड़े मार्जिन से हारती है। पिछले 2 टूर्स पे तो आई बिलीव कि एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाई है इंग्लैंड, सीरीज जीतने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पिछले 4 वर्जन्स 2-1 पे फिनिश हुए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 4 सीरीज लगातार 2-1 फिनिश हुए हैं, तो आप पूरा कॉन्टेस्ट काफी क्लोज होता है, काफी एक्साइटिंग होता है। और इस बार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं जिसमें कि आई वुड से ऑस्ट्रेलिया विल गो फुल थ्रॉटल टू बीट इंडिया, क्योंकि लगातार 2 बार सीरीज हारने के बाद दे आर बाउंडेड। इंडिया भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आएगी और इंडिया काफी कॉन्फिडेंट होगी, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिलहाल पिछले 4 बार से जीतने के बाद उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दे सकते हैं। फिलहाल शार्दुल ठाकुर के इंटरव्यू का ये पोर्शन देखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू। ट्रीटेड अस वाज वेरी हॉरिबल
4 or 5 days there won't be any housekeeping services in the hotel. You want to change your bed sheets, you would have to walk up the stairs for 4 or 5 floors, get the bed sheets. When you're tired, come change it, do your own things. Going from Sydney to Brisbane, we also heard the lady governor of Queensland saying that if Indians don't want to come here, well, don't come. We don't want to host them, or we're not happy hosting them. There were a lot of negative things that were being said about us to put us under pressure. I heard some interview from Team Payne. That man was absolutely lying, because he was just saving himself by making up things in the media and covering up that we didn't put any pressure on Indian team and we give them whatever they wanted. But I know the truth of it. Our coach Ravi Shastri, Virat had left, Ajinkya was leading. They both were in a regular fight with the cricketing board of Australia to get the things that we wanted. Yes, it was difficult the whole tour. Injuries kept happening. Even in the last game, Saini got injured. Natarajan also got injured. And in the second inning, Siraj and me bowled 9 overs each. And first time ever, we didn't even look at Australians after winning. We said, go and sit back in your dressing room.